तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है आपका हैप्पी न्यू ईयर। तो बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को और आपकी फैमिली को। और हम हैं कादिर भाई, खुर्शीद और आपका अजय। तो हम लोग, सुबह हो गया है, सुबह बज रहा है आपका 4:30। तो चल रहे हम लोग चाय पीने। आज पूरा दिन भर का क्या क्या हम लोग करेंगे वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीने आया है आपका अर्जुन टी स्टॉल जो बस स्टेशन पे है। यहाँ खुर्शीद अजय अपनी चाय एंजॉय कर रहा है, हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ तो अपनी एक चाय ख़त्म हो गई, फिर दूसरी चाय भी आ गई। लिटरली बहुत ठंडा पड़ गया है गोरखपुर में। तो अभी चल रहे हम आप लोगों को सनराइज़ दिखाएंगे नौका विहार में बैठ कर। तो ये आप हम लोग आ गए नौका विहार, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका एंट्रेंस है, वाकई काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये अपनी धन्नो लिटरली सुबह कितना खूबसूरत लग रहा है अपना नौका विहार। यहाँ हल्का पानी आप देख सकते हैं, पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है। और यहाँ के स्ट्रीट लैंप तो और कमाल कर रहे हैं, रास्तों का और चकाचौंध बना दे रहे हैं। सुबह सुबह सही कहा गया है, सुबह सुबह जो जल्दी सुबह उठता है वही फ्रेश एयर पाता है। लोग यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए भी आते हैं, जो मतलब एजेड लोग हैं, आपके सीनियर सिटीज़न हैं, वो यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए भी आते हैं, देख सकते हैं। और काफ़ी लिटरली काफ़ी प्यारा लग रहा है यार, प्यारा व्यू, बहुत प्यारा व्यू है। यहीं बैठ के हम लोग सनराइजिंग देखेंगे आज। आ गए नौका विहार पे, लेकिन यहाँ सनराइज तो दिख ही नहीं रहा है, पूरा कोहरा कोहरा दिख रहा है हर जगह। तो मैं दिखाता हूँ आपको, हर जगह कोहरा दिख रहा है, पूरा लिटरली कुछ दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं सूरज उगेगा कि नहीं होगा, कहीं पोपट ना हो जाए हम लोग का। तो ऐसे ही घूम रहे हम लोग, सो सो वॉक भी करना चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं स्टीमर भी लगी हुई है। 100 रुपया 150 रुपया इन लोगों का कॉस्ट है स्टीमिंग करने का। पूरा आपका गोल चक्कर, उतनी दूर पूरा गोल चक्कर वहाँ तक लाएंगे, फिर आपको यहाँ ही वापस ले आके छोड़ देंगे। तो अभी जस्ट सो के उठा हूँ मैं, और अभी बुलेट बहुत गंदी है, तो चलते हैं उसको धोएंगे। फिर शाम को अगर निकलना होगा शाम को घूमने के लिए तो निकलते हैं। न्यू ईयर तो हमारा ऐसे ही मनता है, घर पे रहो, परिवार के साथ रहो।
आपका गोरखनाथ मंदिर, शाम का वक्त हो गया है तो कितना खूबसूरत लग रहा है, फाउंटेन भी है यहाँ पे और कितना अच्छा लग रहा है गोरखनाथ मंदिर अपना। और काफ़ी भीड़ है, न्यू ईयर का दिन है, काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं तो हम भी लोग चलेंगे अंदर, पूजा वूजा करेंगे कि नए साल हम लोग का अच्छा सा बीते यहाँ फाउंटेन। तो चलिए हम भी लोग पूजा वूजा करके आते हैं, दिखाते हैं हम आपको। तो हम लोग का पूजा वूजा हो गया तो हम लोग गोरखनाथ मंदिर में आके घूम रहे हैं हम लोग। तो न्यू ईयर की स्टार्टिंग ऐसे हो गई, समाप्त भी ऐसे ही हो रहा है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ घूम कर, पूजा पाठ भी कर लिए हम लोग, भगवान से मांग भी ली है कि ये साल हम लोग अच्छे से दें, जल्दी जल्दी तरक्की दें, कोई कोरोना जो ओमिक्रोन आ रहा है उससे भी सबको बचाएं। अब लॉकडाउन ना लगे, लॉकडाउन लग जाए तो काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।